हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं एमजी एडिट जॉन। सो गाइस, आज की एडिटिंग में आप लोगों को स्काई ब्लू एंड अम्बर टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, और भी बहुत आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना, एंड हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपना लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और अपनी गैलरी से एक फ़ोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। ओके गाइस, जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ, यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो को लेता हूँ, जैसे मैं इस वाले फ़ोटो को लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी है। ऑल फोटोज़ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर है हमारी फ़ोटो, इस पे क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है एंड एडिटिंग के लिए ऑप्शन आ चुके हैं। तो सबसे फर्स्ट में जाते हैं ऑटो टूल पे, इस वाले आइकन पे, एंड जैसे इस पे क्लिक करेंगे हमारी फ़ोटो की जो लाइटिंग है ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। एंड नेक्स्ट जाते हैं कलर पे, इस वाले आइकन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से टिंट की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ओके गाइस, तो इसे हम प्लस 18 रखते हैं। एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाले आइकन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से रेड कलर की लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ओके गाइस, तो इसे हम प्लस 25 रखेंगे। एंड नेक्स्ट जाएंगे ऑरेंज कलर पे, एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे। ओके गाइस, तो इसे हम माइनस 12 रखेंगे एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम यहाँ से इंक्रीज कर देंगे। ओके गाइस, तो इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम प्लस 29 रखते हैं। एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे, एंड येलो कलर में आने के बाद इसकी ह्यू को हम माइनस 100 कर देंगे एंड इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे। ओके गाइस, तो इसे हम प्लस 70 रखते हैं एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। तो गाइस, इसे हम प्लस 11 रखते हैं। एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे, एंड ग्रीन कलर में आने के बाद इसकी ह्यू को हम माइनस 100 कर देंगे एंड इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे। ओके गाइस, तो इसे हम प्लस 80 रखेंगे एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे। ओके गाइस, तो इसे हम माइनस 12 रखेंगे। एंड नेक्स्ट जाते हैं सियान कलर पे, एंड सियान कलर में आने के बाद इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को हम माइनस 100 कर देंगे। एंड नेक्स्ट जाते हैं ब्लू कलर पे, एंड ब्लू कलर में आने के बाद इसकी ह्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। तो गाइस, इसे हम माइनस 30 रखेंगे एंड इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे। ओके गाइस, तो इसे हम प्लस 90 रखेंगे एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे। ओके गाइस, तो इसे हम माइनस 10 रखेंगे। एंड नेक्स्ट जाते हैं पर्पल कलर पे, एंड पर्पल कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू को माइनस की ओर लेके जाएंगे। तो गाइस, इसे हम माइनस 31 रखते हैं एंड इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे थोड़ा सा। तो गाइस, इसे हम प्लस 42 रखते हैं एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ओके गाइस, तो इसे हम प्लस 12 रखेंगे एंड ऊपर से कर देंगे डन। सो गाइस, हमारी फोटो थोड़ा डीप लग रही है इसकी लाइटिंग, तो गाइस सही लाइटिंग देने के लिए हमें क्या करना होगा, ग्रेडिंग के ऑप्शन पे जाना है, इस वाले आइकन पे। ओके गाइस, एंड यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे हम थर्ड वाला ऑप्शन जो कि है हाईलाइट का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड अपनी फिंगर की सहायता से इसकी ह्यू एंड सेचुरेशन को हम मिला लेंगे जैसे मैं मिलाता हूँ। ओके गाइस, तो इसकी ह्यू है 252 एंड सेचुरेशन है 72। ओके गाइस, तो यहाँ से हम लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ओके गाइस, तो इसे हम प्लस 32 रखते हैं एंड ऊपर से कर देंगे डन। सो गाइस, हमारी स्किन में थोड़ा सा रेड टोन आ चुकी है, तो उसे क्लियर करने के लिए क्या करना होगा, हमें फिर से मिक्स टूल पे जाना है, इस वाले आइकन पे। ओके गाइस, एंड ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेना है और इसकी ह्यू को थोड़ा सा हमको इंक्रीज कर देना है। ओके गाइस, तो इसे हम प्लस 14 रखेंगे एंड ऊपर से कर देंगे डन। एंड नेक्स्ट जाते हैं इफेक्ट पे, इस वाले आइकन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे
और यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ओके गाइस, तो इसे हम +26 रखते हैं एंड डी एच की वैल्यू को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। तो गाइस डी एच की वैल्यू को हम +7 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं डिटेल पे, इस वाले आइकन पे। ओके गाइस, एंड यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। तो गाइस इसे हम +30 रखेंगे एंड नॉइस रिडक्शन इसकी वैल्यू को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ओके गाइस, तो इसे हम +10 रखेंगे एंड नीचे आते हैं क्लर नॉइस रिडक्शन, इसकी वैल्यू को भी थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देंगे। ओके गाइस, तो इसे हम +5 रखेंगे एंड नेक्स्ट जाते हैं लेंस आइकन पे, इस वाले आइकन पे। ओके गाइस, एंड यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से रिमूव क्रोमेटिक एबरेशन को हम ऑन कर देंगे एंड इनेबल लेंस करेक्शन इसको भी हम ऑन कर देंगे। सो गाइस, हमारी फ़ोटो फाइनल एडिटिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं बिफोर हमारा फ़ोटो ऐसा था एंड आफ्टर ऐसा। सो गाइस, काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। आपको अगर एडिटिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, तो इस फोटो को सेव करने के लिए क्या करना है, हमें शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फ़ोटो सेव हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।